हे गाइस, वेलकम टू केएफ सेवन क्रू। गाइस, तो आज देखें इवनिंग में मैं दाने डालना है कबूतर को। तो आज जंगली कबूतर ऑलरेडी पहले से बैठे हुए थे। एक्चुअली मैं हर दिन यहाँ पे इस जगह पे जब भी दाना डालता हूँ लॉफ्ट में, तो इसको यहाँ पे दाना छोड़ जाता हूँ, तो हर दिन खाते हैं। तो आज मॉर्निंग में नहीं आया। अभी देखा 3-4 कबूतर वेट कर रहे हैं, और भी थे बट जा लिए। एक्चुअली वेट करने का रीज़न इनके चूज़े वगैरह होंगे, तो ये काफ़ी वेट कर रहे थे खाने के लिए। अभी देखें कंटिन्यू खा रहे हैं यहाँ पे कितने पास में आकर। थोड़ा डर भी रही है, ये मेल है और मैं अपने चूज़े को आप देखें मास्टर केज में लेके आ गया हूँ। जो मुर्गी का बच्चा था ये देखें, इधर छोटे से पिंजड़े से, इसको मास्टर केज तो नहीं कह सकता बट छोटे से पिंजरे से बड़े में ले गया। कबूतर भी मार नहीं रहे थे, डर रहे हैं कबूतर, तो वो अपने आराम से लगी बड़ी है खाने में। आप देख सकते हैं, सोच रहा हूँ इसको इधर ही छोड़ दूँ, बट मेरे को पता कबूतर मारेंगे अभी इसे, तो अब वो आएगी इधर नहीं, कंफर्म नहीं है। वो आएगी तभी पकड़ पाऊँगा मैं। फिलहाल दो मुर्गी के बच्चे थे, एक तो वो बीमार होके मर गई, वो मैं वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा, बीमार थी वो मर गई। उसको मेडिसिन भी दिया फिर भी बच नहीं पाई। और इधर देखें ऑलमोस्ट चावल, गेहूँ सबसे पहले ये कबूतर खा गए। ये देखें गेहूँ हमने जो दिया था वो पहले खा गए, और चावल चावल सिर्फ चुन रहे हैं, छोटे छोटे करके एक करके चावल चुन रहे हैं। इस कबूतर की आइस बहुत प्यारी है, इस वाली कबूतर की फीमेल है, देख सकते हैं पूरा बहुत खूबसूरत लग रही है उसकी आइस। रेड हो गया, येलो और रेड आइस मैच कर रहा है उसका। और ये देखें हमारे बाकी लॉफ्ट में कबूतर बैठे हुए आराम से, और वो मुर्गी का बच्चा पता नहीं क्या करती है, वो आराम से इधर ही आएगी मास्टर केज में ही मुर्गी का बच्चा। और ये मेरे हाई फ्लाई पिजन्स फीमेल, वनडे पे मेल बैठा हुआ है इसका सामने में, और फीमेल ये देखिए ये चने खाने की आदत हो गई है, चने खा रही है। पहले खाती नहीं थी जब मैं फर्स्ट टाइम इसको लेके आया था, अब ये चना खा जा रही है। कि जब ये बीमार पड़ी थी लकवे में तो मैं इसको नीचे रखा था, तो उधर से चने खाने की आदत हो गई है इसे, अब चने खा रही है ये भी। और मुर्गी के बच्चे का क्या ही बताऊँ, वो बस एक ही जगह कूड़े निकाल निकाल के, ये देखें आप मिट्टी सारे निकाल निकाल के वो खा रही है आराम से। तो अच्छा लग रहा है, उसे इधर ही रखूँगा अभी फ़िलहाल, जितना खा सकते हैं उसको इधर ही रखूँगा। ब्राउन वाले का अब तक जोड़ा नहीं बना किसी से, वैसे गुँ गुँ करते रहती है, गुटकते रहती है। अभी फ़िलहाल तो मुर्गी के बच्चों को कोई मार नहीं रही है, देखिए मटरासी गुस्सा कर रही है, घूर घूर के उसे देख रही है ऊपर से। मेरे को डर लग रहा है मैं इधर छोड़ के चला जाऊँ और मार ना दे इसे। अब ये देखिए ब्राउन वाली मारेगी, पक्की बात है, देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको इधर ही रखा हूँ, और ये सारे चावल खा चुके हैं, कुछ रह गए हैं बाकी खा चुके हैं। इस वाले कबूतर का पैर देखें, वाइट सा हो रखा है इसका, पूरा रेड है बिल्कुल ही, देख सकते हैं कितना रेड है। कि एक्चुअली बीमार सी लग रही है मुझे वो कबूतर, इसकी वजह से उसके बॉडी में ब्लड नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। और इसके देखें बिल्कुल लाल से पैर हैं वो कबूतर, उधर फीमेल, वो फीमेल है। तो देखते हैं गाइस वो मुर्गी के बच्चे का क्या होता है। फिलहाल ये देखें हमारे लॉफ्ट के अंदर बाकी पिजन्स मस्ती से हैं। मैं इसमें काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि अपने मास्टर केज में ये रेत नया डालूँगी, ये नीचे का रेत बहुत गंदा हो चुका है, तो उसको क्लीन कर दो अच्छी तरह, रेत नया डाल दो इसमें, ताकि इनको रहने में बड़ा आसानी हो। तो देखते हैं जैसी रेत मिलेगा मैं इसको नया रेत चेंज कर दूंगा फटाफट। और वो मुर्गी का बच्चा देखें आप कितना मस्ती से ही उधर एक ही जगह कोने में बिल्कुल घुस के खा रही है वो, आप देख सकते हैं। ये देखें वो वहाँ से निकल ही नहीं रही है बिल्कुल। ये देखें
गाइस मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ ताकि कोई कबूतर मुर्गी के बच्चे को मारे ना। अगर मैं नीचे चला गया तो टाइम नहीं होगा ऊपर आने का भी छत पे, तो उसके लिए अभी थोड़ी देर देख लेता हूँ कि कोई कबूतर इसे मारे ना। फिर मारने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस, और जगह नहीं हो, भाग नहीं पाएगी। देखो काफ़ी अच्छे तरीके से खा रही है बिल्कुल। तो मैं फर्स्ट टाइम मुर्गी के बच्चे को लाके अपने कबूतर वाले लॉफ्ट में मास्टर केज में रखा हूँ, वो जितने भी कीड़े मकोड़े इधर होंगे वो सारे खा जाएगी, देख सकते हो। बटासी को पुत्र घूर घूर के देख रही है मुर्गी बच्चों को, मार नहीं रही है। और मेरे हाई फ्लायर देखे पिजन सिंगर इधर आएगी। इस कबूतर का भी जोड़ा अब तक किसी साथ लगा नहीं है, पता नहीं मेल है ना फीमेल, नो आइडिया, मुझे नहीं पता। वो ब्लैक वाली तो फीमेल है मुझे पता है, पर उसका भी किसी के साथ जोड़ा अटैच नहीं हुआ है। मतलब इसको देखें मुर्गी को, ये देखें, मुझे डर लग रहा है वो मारेगी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, मार रही है मार रही है मार रही है उसे, कबूतर मुर्गी के बच्चे को मार रही है गाइस। वो जो लकवे में है फिर भी वो सीधी मुंडी से मार नहीं, गर्दन से मार भी नहीं रहा है, क्रॉस उसकी गर्दन हो रखी है फिर भी उसको मार रही है, हट भी नहीं रहा, वहाँ आराम से वो खाने में मगन हो रखी है बिल्कुल ही भाई। तो मुर्गी के चूजे को देखते हैं गाइस क्या होता है अभी। काफ़ी कबूतर को परेशान करती है ना, कबूतर इसको परेशान कर देती है अभी, थोड़ी देर देखते हैं। और ये मेरे कबूतर दो बाहर निकले, उड़ान भरे दो कबूतर मेरे, ये वाओ जबरदस्त कट मार रहे हैं, हाई फ्लायर पिजन्स है एक्चुअली, आप देख सकते हो। ऊपर ईगल्स भी घूम रहे हैं काफ़ी सारे ईगल्स, ओ भाई जबरदस्त ईगल्स सारे, एक लोकेशन पे ईगल सुसाइड जा रही है, मतलब कबूतर को मार पड़ रही है। ये मार पड़ी उसको, फिर भी वो हीट में लगी पड़ी है। देख सकते हैं ये मुर्गी चूजा उधर घुस गया, और सोच रहा हूँ उसको इधर ही रख दूँ, मुर्गी चूजे को ऊपर ही रख दूँ। चल गाइस तो देखें यहाँ बंदर आ चुकी है, मैं उल्टे साइड में पड़ा हूँ, चल